नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और दिल्ली नगर निगम पर श्वेत पत्र पेश करते हुए हम दक्षिण दिल्ली के इलाके में पहुंचे हैं। दक्षिण दिल्ली एक ऐसा हिस्सा है दिल्ली का जो अपने पॉश इलाकों के लिए और तेज रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता है, यानी कि नगर निगम की यहाँ जिम्मेदारियां भी कुछ वैसी ही है, यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं भी वैसी ही। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम। 534 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की कुल आबादी 70 लाख है, जो उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आबादी से कहीं ज्यादा है। ऐसे में बेहतर सेवाएं देना एसडीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वोटिंग का टाइम होता है तो वो लोग आते हैं, बाद में तो कोई नजर ही नहीं आता। गलियों में बहुत मामूली से छोटा सा चीज है, गली में झाड़ू लगाना, ये तक नहीं होता डेली। इतना कूड़ा जाम रहता है, वो लोग आते भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं लगाते, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। काम तो कुछ हो नहीं रहा है, हमें पर्सनली खड़े होकर कराना पड़ा है। जो हमारे घर से प्राइवेट कूड़े वाले हैं उनसे हमें नालियां साफ करानी पड़ती हैं और हार के हमने नालियां ही बंद करा दी हैं। भाई कुछ भी नहीं होती है, देखिए नाले बह रहा है यहाँ पे, गटर जब मर्जी खुल जाते हैं यहाँ पे। इसके चक्कर में यहाँ एक दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम, फिर दूसरी बात ये पानी रोक देते हैं वहाँ से, यहाँ पे पानी बहने लगता है नालियों का, घरों के अंदर आ जाता है। हम लोगों की दुकान भी बड़ी मुश्किल से चल रही है यहाँ पे। नालियों को लेकर बहुत दिक्कत है, जब बारिश वगैरह होती है उससे भी काफ़ी परेशानी होती है। वैसे भी कई बार ओवरफ्लो हो जाता है तो सुबह के टाइम या रात को टाइम नाली में जो है पानी बेहतर रहता है। बोर्ड के लिए सब हाथ जोड़ते हैं, माँ बाप बना लेते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही, कोई सुनने को राजी नहीं है। ट्रैफिक सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लगी रहते, 11 बजे रात तक। जिन्होंने काम करना है उन्होंने एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है, सबको जंग लग गया है, बैठे तनख्वाही मिलती है, सफर यहाँ का नागरिक रहता है। अभी भी इम्प्रूवमेंट चालू नहीं हुआ, हालत खराब है। अपने चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसडीएमसी ने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की तो खुद से ही अपनी पीठ थपथपाई, कहा तीनों निगमों में वो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे कमाऊ भी। उनकी अपनी जुबानी एसडीएमसी ने पिछले कार्यकाल में 424 ओपन जिम बनाए हैं, 302 नए पार्क विकसित किए हैं, 384 स्कूल बिल्डिंग का पुनर्विकास किया है, सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, 150 नए शौचालय का निर्माण किया है, एक गार्बेज ग्रीन वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का विकास किया है और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में 170 करोड़ की बढ़ोतरी हासिल की। चलिए हम एक एक कर इसका रियलिटी चेक करते हैं। बाकी दूसरे नगर निगमों की ही तरह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की भी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है गंदगी को ठिकाने लगाना। डस्टबिन की हमने बहुत बार कही है लेकिन यहाँ पे कोई भी डस्टबिन नहीं है, ऐसे यहाँ पे नालियों की कोई सफाई नहीं है। सफाइयाँ होती हैं फिर वो एजिटी भर जाती है क्योंकि नालियाँ प्रॉपर ढंग से बनी हुई नहीं है, उनकी मेंटेनेंस होती है बट लेकिन कोई बनाता ढंग से नहीं है उनको, कोई भी इस पे कोई भी काम नहीं करता है। इतनी गंदगी है ना, और विधायक है वो सुनता ही नहीं है, वो आता ही नहीं कभी। रोड नहीं बनते हैं, सीवन नहीं आ रही है, पानी की परेशानी, नाली नहीं बन रही है। ये नाली का कीचड़ अंदर भर जाता है, ये देखो ये प्लाट में से भी, इधर नाली में से भी, इधर से भी, तो बहुत बुरा हाल है। मेरा सारा दुकान का सामान खराब हो जाता है, डब्बा भर भर के निकालते रहेंगे पूरा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में हर रोज 2800 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। इस कचरे को ओखला की लैंडफिल साइट तक ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाता है। एसडीएमसी में ये इकलौती लैंडफिल साइट है। 40 एकड़ में फैली हुई इस लैंडफिल साइट की शुरुआत 1996 में हुई। आज वहां गंदगी का ढेर किसी गगनचुंबी इमारत की तरह 48 मीटर ऊंचाई को छू रहा है। किसी भी लैंडफिल साइट के लिए कचरे की ऊंचाई 5 से 30 मीटर तक पहुंचना परमिसिबल लिमिट माना जाता है, लेकिन ओखला साइट की ऊंचाई 48 मीटर तक जा चुकी है, जो खतरे के निशान से कहीं ज्यादा है। लोगों को लुभाने के लिए एसडीएमसी बात कर रही है स्कूल सफाई और स्वास्थ्य की, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसे खत्म करने की बात भी की जा रही है और
लोगों को लुभाने के लिए फ्री एलईडी बल्ब भी बांटे जाएंगे, ऐसा वादा किया जा रहा है। घोषणा पत्रों की चमक दमक और बेहतरी के वादों से उलट दक्षिणी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक और तस्वीर है जो अक्सर अंधेरों में रह जाती है। ये वो तस्वीर है जिसकी बुनियाद पर दिल्ली के एक बड़े तबके का भविष्य टिका है। आंकड़े हर साल सवाल उठाते हैं लेकिन उनका जिक्र सिर्फ चुनाव के दिनों में ही हो पाता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं एसडीएमसी क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूलों पर और उनमें पढ़ने वाले छात्रों पर। एसडीएमसी में लगभग 589 स्कूल हैं, जिनमें करीब 3,00,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस लिहाज से औसतन 509 बच्चों के लिए एक स्कूल है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कमजोर तबके से आते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा नगर निगम पर होता है। लेकिन क्या वाकई एसडीएमसी अपनी ये जिम्मेदारी सही से निभा रही है? इस बार चुनावों में ये मुद्दा भी काफी अहम है। सरकारी स्कूल तो यहाँ है ही नहीं है। अब ये बच्चे जो अब 7वीं में जा रहे हैं, इनकी किताबें अब 10,000 की तो किताबें आ रही हैं, कहाँ से ले आए? पेट में रोटी खाएं कि 10,000 की नहीं किताब? कि सरकारी हो तो सरकारी में डाल दें, पास में हो, अब मजबूरी में पढ़ाना है। ना कोई पारी के जी यहाँ पे, ना कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। 8,000-8,500 रुपये फीस दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग। अगर हम अब रिटायर आदमी गवर्नमेंट से, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने पोता पोती को पढ़ाऊँ या मैं अपने बच्चों को रोटी दूँ या मैं स्कूल के पैसे भरूँ? शिक्षा के बाद आइए स्वास्थ्य का हाल जानें। इस बार आम आदमी पार्टी का सबसे अधिक जोर स्वास्थ्य संबंधी वादों पर है। एसडीएमसी का दावा है कि उसने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी काम किया है लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीर कैसी है? यहाँ अस्पताल ऐसे नहीं है, भाग के जाओ सफदरजंग तक लाइन लगाते लगाते, तब तक टाइम खत्म हो गया, भाग जाओ घर पे। कितनी बार जाऊँ, कितने बार आऊँ? जाते हैं तो धमक आती है, यहाँ दवाई की चीजें ना आए, ये चीजें ना आए। अगर सुविधा नहीं है तो सुविधा दो हमको, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल का फायदा क्या? यहाँ पे सब खून की जांच वगैरह भी होती है, हर तरह की जांच होती है यहाँ पे, और स्टाफ भी काफी कोऑपरेट करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि एसडीएमसी ने किस तरह स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 3 कॉलोनी अस्पताल हैं, 7 पॉलीक्लिनिक हैं, 17 एलोपैथिक क्लिनिक हैं, 9 मातृत्व गृह, 51 मातृ शिशु कल्याण केंद्र, 2 चेस्ट क्लिनिक और 4 स्कूल हेल्थ क्लिनिक भी हैं। सरसरी तौर पर देखें तो इंतजाम काफी हैं, लेकिन लोगों की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो कहते हैं कि डिस्पेंसरीज हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं। एसडीएमसी का एक क्रांतिकारी फैसला जिसकी चर्चा हर जुबां पर है वो है बड़े बड़े होटल्स और इस तरह के रेस्टोरेंट्स को ये निर्देश देना कि जो जरूरतमंद हो उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने दें 5 रुपए की पेमेंट पर। इससे सीधे तौर पर स्वच्छ भारत को भी बढ़ावा मिलेगा, इलाके की स्वच्छता भी बढ़ेगी। अगर आप दक्षिण दिल्ली के बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं और आपको आसपास कोई सार्वजनिक टॉयलेट नजर नहीं आ रहा है तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं। एसडीएमसी ने दक्षिण दिल्ली के सभी होटलों और रेस्टोरों को ये निर्देश दिए हैं कि वो जरूरतमंदों को अपने होटल्स और रेस्टोरों में बने शौचालयों को इस्तेमाल करने दें। इसके लिए चाहें तो वो 5 रुपए चार्ज कर सकते हैं। ये एसडीएमसी में पड़ने वाले 5 सितारा होटलों पर भी लागू है। इस पहल से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा जिनके लिए सार्वजनिक शौचालयों की कमी एक बड़ी दिक्कत है। तो रोड पर जो ये करते हैं तो उससे बेटर है कि अपने होटल में जाकर के अपना उसी हिसाब से वो अपना करें, और ये बहुत मिनिमम चार्जेस है जो कि सबके लिए अफोर्ड कर सकता है। राह चलने वालों को कोई इमरजेंसी होती है टॉयलेट बाथरूम की तो किसी भी होटल में जाके कर सकता है, बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा भी है अगर ये सुविधा मिल जाती है तो लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधा यही है। यहाँ से लेके वहाँ तक आप कहीं तक भी चले जाओ, ढोलक हुआ तक या इधर बदरपुर बॉर्डर तक, वहाँ बीच में पड़ेगा कापासेटा चले जाओ गुड़गांव, तो कोई शौचालय नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। दक्षिणी दिल्ली में 580 यूरिनल्स और 480 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिसमें महिलाओं के प्रयोग के लिए सिर्फ 140 ही उपयुक्त हैं। इस पहल के बाद करीब 4,000 शौचालय लोगों के इस्तेमाल में आ जाएंगे। हालांकि होटल एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि इससे सुरक्षा के नजरिए से दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
होटल वाले मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे पब्लिक को ऐसे घुसने देंगे। फाइव स्टार होटल है ऐसे तो सब ऐसे टॉयलेट के लिए उनके ऊपर जाने लग गए, ऐसे भीड़ लग जाएगी वहाँ पे, वो भी अलाउ नहीं करेंगे। वो पब्लिक प्लेस पे बनाना चाहिए और वहाँ पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। खरीदने की क्षमता बढ़ती है तो बढ़ती है गाड़ियाँ, बढ़ती है गाड़ियाँ तो घटती है जगह। अब दक्षिण दिल्ली में 25 नई जगहों की पहचान की गई है जो पार्किंग स्पेस के तौर पर विकसित किए जाने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पार्किंग के जितने भी इलाके नए बनाए जाते हैं गाड़ियों की तादाद उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पतली पतली गलियों में अतिक्रमण की सीमाओं को पार करते गाड़ियों के काफिले ये बताने के लिए काफी है कि पार्किंग की समस्या SDMC के लिए सर दर्द से कम नहीं। और यकीनन अगर इससे जल्द ही नहीं निपटा गया तो एक दिन ये समस्या लाइलाज हो जाएगी। ना कोई यहाँ पे पार्किंग है, ना यहाँ पे कुछ है, मार्केट स्लो होती जा रही है। पार्किंग वगैरह में जैसे जो पार्किंग है नहीं, अब गाड़ी रोड पे खड़ी कर देते हैं, इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है इस वजह से भी। और जैसे लोगों ने स्टॉल वगैरह लगा रखे, रेडी वगैरह लगा रखे हैं, इससे भी काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें ही और जो रेडीज वगैरह होती हैं वही कवर कर लेती हैं और रोड पूरा जाम हो जाता है और लोग जा ही नहीं पाते। दुकानदारों से टैक्स भी वगैरह भी जा रहा है जो डेवलपमेंट में ये इस्तेमाल होता है पैसा, उसकी बुनियादी सहूलत है आज यहाँ पार्किंग की ज्यादा जरूरत है। कूटे खड़े करने की जगह नहीं, गाड़ियों की तो जगह ही छोड़ी है। सबसे बड़ी जो काम करने वाला मुझे लगता है सबसे पहले पार्किंग का होना चाहिए। इसी साल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 7 मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट को अप्रूवल दिया है। ये 2,300 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा देगा। दिक्कत ये है कि हौज खास, मुनिरका और कालकाजी के पार्किंग लॉट लगभग एक साल से तैयार हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इनका अभी तक पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले इन्हीं पार्किंग लॉट के उपयुक्त इस्तेमाल का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद बारी आएगी दूसरे दौर की, जहाँ सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, जंगपुरा और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ऐसे ही मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस का निर्माण होगा। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पार्किंग के अलावा बंदरों के बढ़ते उत्पात को भी SDMC को गंभीरता से लेना होगा। चुनावों में यकीनन ये भी एक मुद्दा है। दिल्ली नगर निगम चुनावों में ये थी दक्षिण दिल्ली की बात। अगले एपिसोड में जब हम हाजिर होंगे तो बात ईस्ट दिल्ली नगर निगम की होगी। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।